कल छत्तीसगढ़ में कांग्रेस उम्मीदवारों का ऐलान संभव है। प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज की तरफ से इस पर बयान आया है। दरअसल छत्तीसगढ़ में 5 प्रत्याशियों की घोषणा होना बाकी है और ऐसे में प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा है कि कल कांग्रेस की सीईसी की अहम बैठक होने वाली है और इसमें छत्तीसगढ़ समेत कई राज्यों पर एक बार फिर से चर्चा होगी। और माना ये जा रहा है उनकी तरफ से, तो ये कहा जा रहा है कि कल शाम तक, 18 तारीख की शाम तक प्रत्याशियों के नामों का ऐलान कर दिया जाएगा। बाकी राज्यों की सीईसी की बैठक है, मैं समझता हूँ जो बाकी ऐसे नाम छत्तीसगढ़ के 5 नाम अभी शेष हैं उनमें मुझे लगता है कल चर्चा होने के बाद कल शाम तक संभवतः ऐलान हो जाएगा। बढ़ते आगे और बात अगली खबर की। कांग्रेस पर राजेश मूणत ने निशाना साधा है। बाकी नेताओं को कांग्रेस में वापस ले लिया दरअसल गया और कल ही इसके आदेश जारी कर दिए गए कि जो बागी या जिन्होंने बगावत की थी उनको पार्टी ने वैसे निष्कासित कर दिया था 6 साल के लिए, लेकिन निष्कासन वापस हो चुका है। और ऐसे में राजेश मूणत जो बीजेपी नेता हैं, विधायक हैं, उन्होंने बागी नेताओं की कांग्रेस में वापसी पर तंज कसा है और कहा है कि यही कांग्रेस नेता पार्टी और प्रभारी पर सवाल उठाया करते थे, पैसा लेकर सीट बेचने का आरोप लगाते थे। दीपक बैज के बयान पर भी उन्होंने पलटवार किया। सीटें घोषित कर पा रहे, सीटें घोषित नहीं कर पा रहे, गुटबंदी था कांग्रेस में। कल तक विधानसभा चुनाव हारने के बाद में यही कांग्रेस के नेता लोग कांग्रेस के नेतृत्व पर सवाल उठाते थे, उनके प्रभारी के ऊपर सवाल उठाते थे, यही लोग कांग्रेस के नेताओं पर आरोप लगाते थे कि पैसा लेके टिकटें दे दी है। आज यही वापस, तो सेम अपनी पार्टी का चिंतन कांग्रेस पार्टी का। और इधर छत्तीसगढ़ में चुनाव की तैयारियां लगातार चल रही हैं। अतिरिक्त मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी नीलेश महादेव क्षीरसागर ने कहा है, इस तैयारियों के बारे में जानकारी दी है, आइए जानते हैं। देश में 2.5 करोड़ वोटर्स है, इसमें 1.5 करोड़ लगभग के महिला वोटर्स है और बाकी बचे हुए पुरुष वोटर 1.2 करोड़ के लगभग है। तो इस तरह से पूरे मतदान यादि भी पूरी बनी है, लेकिन जो सतत प्रक्रिया के अंतर्गत अभी भी अगर कोई लोग छूटे हैं उनका नाम जोड़ा जा सकता है। इसके साथ बाकी सभी हमारे जो मतदान केंद्र है उसकी भी पूरी तैयारी हो चुकी है। जो एश्योर्ड मिनिमम फैसिलिटीज जिसको कहा जाता है AMF, यानी शौचालय हो, पानी की व्यवस्था हो, वो सभी व्यवस्थाएँ भी सभी हमारे जो मतदान केंद्र है वहाँ पर की गई। इधर कांकेर से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं।